हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का पार्ट थ्री हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियोस हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन MCQs के फॉर्म में करेंगे, जिससे आप लोग ये समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा से आप लोगों के सिलेबस में किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्लासेस की सीरीज़ है दोस्तों, पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यानी कि सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए है, और यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ सेशन रहने वाला है। इससे पहले भी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर और इस पर्यवेक्षक की भर्ती से रिलेटेड काफ़ी सारे क्लासेस किए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स जो हैं मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर सारे वीडियोज़ आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मैं इंपॉर्टेंट PDFs और जो है सूचनाएं वहां पर देता रहता हूं, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या है, ठीक है, तो आप लोग जो है वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर वन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुल्हा का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया आपको, छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुल्हा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको शब्द दिया जा सकता है और उसके हिंदी में अर्थ पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, और एक काम आपको और करना है, आप जो है वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर देते चलिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की आप भी अपने ज्ञान को परख सकें। तो ऑप्शन है यहाँ पर आँख से कम दिखना, धुंधला, सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय, या फिर फूलों का बना झूला। इन पांचों में से इसका आंसर क्या होगा? झुलफुल्हा किसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यास्त का समय। सूर्यास्त का समय को झुलफुल्हा कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, छत्तीसगढ़ी अव्यय चुनिए। तो आपको यहाँ चुनना है छत्तीसगढ़ी अव्यय। अव्यय इसमें से कौन सा है छत्तीसगढ़ी? सुरुज, संझा, ठीक है, स में अंक की मात्रा लगा हुआ है, संझा, खोली, चंदा, सुरता, इनमें से कौन सा एक जो है छत्तीसगढ़ी अव्यय हो अव्यय होगा, ठीक है। तो अपना आंसर देते चलिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संझा। संझा यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है जो कि छत्तीसगढ़ी अव्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थ्री। दांत दिखाने वाला, ठीक है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? एक पद है दांत दिखाने वाला, उसके लिए आपको छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके दंतला, खेबड़ा, टिपका, दत्नीपुर, दिया। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर जरूर देते चलिएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दत्नीपुर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी में दत्नीपुर का मतलब होता है जो दांत दिखाता है, ठीक है, दांत दिखाने वालों को दत्नीपुर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब पर हैं और आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि आपको अपने ड्रीम जॉब तक लेकर के जाए, वो भी इंडिया के बेस्ट कंपनीज के साथ, जैसे कि क्रेड, मीशो, ग्रो, कू, एटसेट्रा। जैसे कि यहाँ शाओमी कंपनी की हायरिंग है, यहाँ पर आपको एज ए बैकएंड डेवलपर 12 से 15 लाख रुपए पर NM और बिजनेस एनालिटिक्स में 8 लाख रुपए पर NM की सैलरी मिल सकती है। और वहीं एयरटेल में आपको एज ए बैकएंड इंजीनियर 23 से 25 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जो कि 6 डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट कराता है, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स टेस्ट और फुल स्टैक डेवलपमेंट। और इन टेस्ट को देने के लिए न तो आपको किसी रिज्यूमे की जरूरत है, न वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और न ही कोई डिग्री चाहिए। सिर्फ इसके लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप इस टेस्ट के थ्रू 70% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया की 1000+ कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए, जहाँ पर आपको मिनिमम 4 लाख पर ईयर का पैकेज नॉन टेक के लिए और मिनिमम 6 लाख पर ईयर का पैकेज टेक के लिए मिल जाता है। लेकिन आप अपने नॉलेज और स्किल्स के बेस पर 25 से 40 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी भी पा सकते हैं। तनिष्क नाम के एक 20 साल के लड़के ने क्रेड कंपनी में 40 लाख रुपए की एक जॉब पाई है। दोस्तों, टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करने वाले टॉप 3 कैंडिडेट को एप्पल की मैकबुक, आईफोन, वॉच मिलेगी, और इसके अलावा 47 कैंडिडेट्स को रीलेवल की तरफ से गुडीज मिलेंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रीलेवल बाय एकेडमी के इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, यहाँ पर आपका टहलू में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। टहलू एक जो है शब्द है, टहलू छत्तीसगढ़ी शब्द है, उसमें प्रत्यय क्या होगा, लू अलू हलू ऊ या फिर टह, आपको जल्दी से बताना है इसमें प्रत्यय क्या होगा। तो उपसर्ग क्या होता है, जो पहले जुड़ता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है प्रत्यय को क्या होगा टहलू में। तो जैसे कि आप सबको पता है टहलना, आप सबको पता होगा टहलना, ठीक है, टहलना आप सबको पता होगा, तो ये टहल से बना हुआ है, टहल शब्द से बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊ। ठीक है, ऊ ऊ की मात्रा जो है इसमें लग गया है, टहल से टहलू बन गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, रिक्त स्थान भरिए। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, जेकर हाथ में लौठी भैया ओकर हाथ में डैश, ओकर हाथ में खाली स्थान, ये आपको बताना है। जेकर हाथ में लौठी भैया ओकर हाथ में खाली स्थान, तो ऑप्शन है आपके भैंसा गरुआ बैला मेछा पैसा, तो जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हिंदी में एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये उसी का जो है छत्तीसगढ़ी परिवर्तित रूप है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेकर हाथ में लौठी भैया ओकर हाथ में भैंसा, तो भैंस को छत्तीसगढ़ी में भैंसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भैंसा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऊब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय बताना है आपको। ऊब ऊब जो है एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, जैसे ऊबना बोर हो जाना, ठीक है हिंदी में, तो उसी का जो है छत्तीसगढ़ी पर्याय आपसे पूछा जा रहा है। ऊब ऊबना बोर होना, उसके लिए छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन है बरवट सरवट अस्कट खलबट या मलवट, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अस्कट। ठीक है, ऊब के लिए क्या हो जाएगा अस्कट, ऊबना को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं अस्कटाना, तो अस्कट इसका ऊब का जो है सही छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, कपिला शब्द का अर्थ बताइए। कपिला ये हिंदी का भी है और एक इसको छत्तीसगढ़ी भी आप मान सकते हैं। कपिला शब्द का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है काले रंग की बकरी, काले रंग की भैंस, काले रंग का बैल, सफ़ेद रंग की बकरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों जो कपिला शब्द है उसका अर्थ होता है ऐसी गाय होता है जिसके शरीर पर भूरे या सफ़ेद रंग के बाल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब भूरे या जो सफ़ेद गाय होती है उसको आप लोग कपिला कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट, हिजगा पारी में कौन सा समास है। समास बताना है, समास पूछा जा रहा है हिजगा पारी में कौन सा समास है। द्वंद्व समास तत्पुरुष समास कर्मधारय बहुव्रीही उनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर दीजिए। हिजगा पारी में दोस्तों कौन सा समास होगा, हिजगा पारी में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, हिजगा पारी जैसे कि हिंदी में हो जाता है रुपया पैसा, भाई बहन माता पिता, तो इस तरह से इसी तरह से हिजगा पारी जो है द्वंद्व समास का एक उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है छत्तीसगढ़ी में स्वरों की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है। छत्तीसगढ़ी में स्वर होते हैं कितने, स्वर होते हैं सात आठ नौ दस ग्यारह, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आठ, छत्तीसगढ़ी में जो है आठ स्वर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन है लमगोड़वा में कौन सा समास है। एक शब्द है छत्तीसगढ़ी शब्द लमगोड़वा, अब आप सोच रहे होंगे इसका अर्थ क्या होता है लमगोड़वा, जैसे कि किसी की हाइट जो लंबी होती है उसको लमगोड़वा कहा जाता है, उसके पैर लंबे होते हैं, लमगोड़वा का अर्थ है जिसके पैर लंबे होते हैं उसको लमगोड़वा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें समास पूछा जा रहा है क्या समास होगा, द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीही या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। तो लमगोड़वा में क्या है, इसका प्रथम पद जो है प्रधान है, इस वजह से यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझने के लिए कि आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड एक और जो वीडियो बनाऊंगा, जो कल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड, तो जो छत्तीसगढ़ी का नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है दोस्तों उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कल के ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे, कल के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे,
तो कल जो है नेक्स्ट जो छत्तीसगढ़ी का वीडियो होगा उसको ज़रूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, चैनल बनना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।